नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों के बाद छत्तीसगढ़ का वीडियो लेके आ रहा हूँ। बस्तर संभाग के अगले जिले हम लोग देखेंगे। बस्तर जिला का चौथा जिला है ना, कोंडागांव जिला है, ठीक है। इससे पहले 9 वीडियो डाल चुके हैं, 10वां वीडियो है ना, तो बस्तर संभाग का ये है चौथा जिला कोंडागांव। ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है कोंडागांव जिले के बारे में, लेकिन जो भी जानकारी है बहुत ही सटीक जानकारी है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने नक्शा बना दिया है ना, सब इसमें लिख दिया है, साफ साफ सब चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। जूम करके देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर उसके बाद जूम करके देख सकते हैं, तो आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसकी स्थिति देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये उत्तर में कांकेर जिला और धमतरी जिला को टच करता है, ठीक है। धमतरी जिला है, उसके बाद कांकेर जिला है, उसके बाद नारायणपुर जिला है, नारायणपुर जिला के बाद बीजापुर जिला है, बीजापुर जिला के बाद बस्तर जिला है नीचे, और एक साइड से उड़ीसा राज्य से घिरा हुआ है, ठीक है। पूर्व में उड़ीसा राज्य से घिरा हुआ है, उत्तर में धमतरी कांकेर है ना, और पश्चिम में नारायणपुर, और दक्षिण पश्चिम में बीजापुर है, साथ ही दक्षिण में बस्तर जिला से लगा हुआ है, ठीक है। तो ये इसकी स्थिति हो गई। स्थापना है, इसकी स्थापना अन्य सभी जो नए जो जिले बने थे 2012 में जो 9 जिले बने थे उसमें से एक जिला था कोंडागांव जिला, ठीक है। तो 2012 में इसकी क्या हुई है, स्थापना हुई है किसकी, कोंडागांव जिले की। बस्तर जिले इसका मातृ जिला कौन है, तो बस्तर मातृ जिला बस्तर जिला है, मातृ जिला कोंडागांव का मातृ जिला क्या, कौन सा जिला है, तो बस्तर जिला है, ठीक है। और चलो अब हम लोग इसके रोड के मैप के जरिए इसके बारे में, जगह के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक। देखिए, दो नेशनल हाईवे हैं, एक नेशनल हाईवे नंबर NH30 है जो रायपुर से जगदलपुर को कनेक्ट करती है, उसके बाद सुकमा को कनेक्ट करती है, तो वही नेशनल हाईवे है। इसका पुराना नाम है NH43, ठीक है, पहले भी बता चुका हूँ, NH43 इसका पुराना नाम है, नया नाम है नेशनल हाईवे नंबर 30, ठीक। 30 के नेशनल हाईवे नंबर 30 पकड़ते हैं तो सबसे पहले कोंडागांव जिले के एंट्री में ही घाट पड़ता है, जिसको बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है। केशकाल घाट को बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसी घाट पर मंदिर है ना, माता का मंदिर है, तेली माता का मंदिर, ठीक है। ये आपका धार्मिक स्थल है, तो ये घाट भी बना हुआ है। केशकाल घाट में कितने मोड़ है, ऐसा पेपर में एक बार क्वेश्चन आ चुका था, तो 12 मोड़, केशकाल घाट में कुल 12 मोड़ है, ठीक। तो इस केशकाल घाट में ही जो धार्मिक स्थल है वो है तेली माता का मंदिर, ठीक है, ये याद रखेंगे। जैसे ही इस घाट को पार करने के बाद हम सीधे बस्तर के पठारी भाग में पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये बस्तर का जो पठार है, ये मैदान वाले क्षेत्र, बस्तर का पठार वाले क्षेत्र में आता है, ठीक है, बस्तर का पठार, ठीक। तो जैसे ही केस का हम लोग जो पहला ब्लॉक पड़ेगा कुल, तो इसमें पहले देख लेते हैं कितने तहसील हैं। कोंडागांव जिले में कुल 5 तहसील हैं, ठीक है, कोंडागांव के साथ मिलाकर 5 तहसील हैं। सबसे पहले केशकाल है ना, ये केशकाल तहसील है, ये बड़े राजपुर तहसील है, ठीक। उसके बाद ये माकड़ी तहसील है, ये कोंडागांव तहसील है, और ये फरसगांव तहसील है, ठीक है। तो कुल 5 तहसील है, इसमें केशकाल तहसील में ज्यादा जानकारी हमको देखने को मिलती है, ठीक। तो केशकाल के नजदीक ही एक पुरातात्विक स्थल है जिसका नाम है गढ़ धनुरा, ठीक है, ये पुरातात्विक स्थल है। यहाँ से तांबड़े और मिश्र जो पुरातात्विकविद हैं, उनके द्वारा जो वैज्ञानिक मतलब जो पुरातात्विकविद हैं तांबड़े और मिश्र कि इनके द्वारा यहाँ पर प्राचीन काल के 500 पाषाण घेरे की खोज की गई है। 500 पाषाण घेरे, पाषाण घेरे का अर्थ ये है जब प्राचीन समय में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उन्हें दफनाने के बाद उनके ऊपर क्या कर दिया जाता, उनको पत्थर से रखकर घेर दिया जाता था, तो वही कहलाते हैं पाषाण घेरे। तो कुल 500 पाषाण घेरों का एक यहाँ पे हमको जगह मिला है, कहाँ पे, गढ़ धमोरा जगह में हमको ये प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो गढ़ धमोरा किससे संबंधित है, पुरातात्विक स्थल, और कौन से जिले में है, तो कोंडागांव जिले में है, ये याद रखेंगे। उसके बाद एक ग्राम है नरवाड़ी नाम का ग्राम, ठीक है, इस नरवाड़ी ग्राम का संबंध ऐसा जानकारी मिलती है यहाँ से कि यह प्राचीन के नल नागवंश से संबंधित रहा होगा, ठीक है। तो नरवाड़ी ग्राम नल नागवंश से संबंधित है। साथ ही यहाँ पे एक और जगह है अड़ेंगा, ठीक है, नरवाड़ी ग्राम और अड़ेंगा, ये दोनों
हमारा केस काल में ही आते हैं, लेकिन जो अड़िंगा है ना, ये भी नल नागवन से संबंधित है और नलवाड़ी भी नल नागवन से संबंधित है। अड़िंगा से नल नागवंश का जो चौथा राजा था वराहराज, ठीक है, वराहराज, इसके वराहराज के समय के सिक्के मिले हैं, 29 स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं, ठीक है, 29 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई किसके, वराहराज के टाइम की, ठीक है, वहां से प्राप्त सिक्कों से हमें जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वो किस काल के हैं, तो नल नागवंश के काल के हैं, कहां से, अड़िंगा से, ठीक है। उसके बाद और भी देखेंगे तो जो मेन जो हमारा यहाँ पे खनिज मिलता है कुछ क्षेत्र में जहाँ पे बॉक्साइट मिलता है, ठीक है, तो केशकाल का जो एरिया है वहां से मिलता है, केशकाल घाट के आसपास, ठीक है। उसके बाद बॉक्साइट मिलता है हमको उदारवाही और बुधियारमारी, ठीक है, केशकाल से बुधियारमारी और उदारवाही, ये तीन जगह है जहाँ से हमको क्या मिलता है, बॉक्साइट मिलता है, उदारवाही, बुधियारमारी, ठीक है, ये और केशकाल जहाँ से हमको बॉक्साइट मिलता है, ठीक है। और मुख्य रूप से यहाँ पे एक और प्रतात्विक स्थल है, तो देखा जाए तो कोंडागांव और नारायणपुर के बीच में भोमपाल है ना, ये जो जगह है भोमपाल, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है क्या, भोमपाल बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पर बौद्ध धर्म के विहार और चैत्य प्राप्त हुए हैं, जो ये बताते हैं कि यहाँ पे कोंडागांव जिले का संबंध बौद्ध धर्म से रहा होगा, ठीक है। दो मुख्य नदियां हैं, बोर्डिंग नदी है जो केशकाल पठार से निकलती है, ठीक है, केशकाल तहसील से निकलती है बोर्डिंग नदी, जो कि इंद्रावती अपवाह तंत्र में जाकर मिल जाती है। वहीं दूसरी मुख्य नदी है जिसके किनारे कोंडागांव शहर बसा हुआ है, उस नदी का नाम है नारंगी नदी, इसको पेपर में पूछ चुका है कई बार, ठीक है। तो वो जो नारंगी नदी है, इस नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो माकड़ी तहसील ना, कोंडागांव जिले के माकड़ी तहसील से निकलती है कौन सी नदी, नारंगी नदी, ठीक है, नारंगी नदी। और कुछ जानकारी देखें तो कोंडागांव जिला शिल्प ग्राम कहलाता है, ठीक है, कोंडागांव जिले को क्या कहा गया है, शिल्प ग्राम, छत्तीसगढ़ का शिल्प ग्राम कौन सा जिला है, तो कोंडागांव जिला को शिल्प ग्राम कहा जाता है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के शिल्प आर्ट्स और वो बनाए जाते हैं, मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, जिसको ढोकरा आर्ट कहा जाता है, ठीक है, ढोकरा आर्ट कहा जाता है इससे संबंधित जो मुख्य कलाकार हैं या जो आर्टिस्ट हैं उनका नाम है जयदेव बघेल, ठीक है, जयदेव बघेल, इन्होंने अपनी कला को देश विदेश में फैलाया है, तो अपनी कला को देश विदेश में फैलाया है इन्होंने, जयदेव बघेल ने, तो इनको शिल्प आर्टिस्ट भी कहा जाता है, जयदेव बघेल को शिल्प आर्टिस्ट कहा जाता है, उनका संबंध कोंडागांव जिले से है, साथ ही जो कला है उसको डोकरा आर्ट भी कहा जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी कलाएं यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और एक मुख्य राजनीति से संबंधित जुड़े व्यक्ति हैं जिसको बस्तर का गांधी कहा जाता है ना, इनको पेपर में क्वेश्चन दिया था बस्तर का गांधी किसके कहा जाता है, तो बस्तर का गांधी मनकू राम सोढ़ी जी को कहा जाता है, स्वर्गीय श्री मनकू राम जी सोढ़ी को बस्तर का गांधी कहा जाता है, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। तो दो पर्सनैलिटी याद रखने की जरूरत है यहाँ पे, जयदेव बघेल एक हो गए आर्टिस्ट हो गए कलाकार हैं ये शिल्प से संबंधित, और एक है प्रमुख राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति मनकू राम किशोरी, ठीक है, बस्तर का गांधी कहा जाता है। और तो इसमें और कोई भी जानने लायक चीज़ नहीं, जो मुख्य बातें थी मैंने इसमें बता दी हैं, ठीक है, एक दो नदियाँ हैं, एक बोर्डिंग नदी, एक नारंगी नदी, ठीक है, और अड़िंगा और नलवाड़ी ग्राम नलनागवन से संबंधित है, उदारवाही, बुधियारमारी ये, और केशकाल में बॉक्साइट से संबंधित, मतलब बॉक्साइट एयर मिलता है यहाँ से, ठीक है। गढ़ धनगढ़ प्राचीन काल संबंधित प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है जहाँ से 500 पसाड़ घेरे मिले हुए हैं, ठीक है, इतनी सारी जानकारी थी जो महत्वपूर्ण है, ठीक है। बाकी हम लोग जो भी एक जिला बचा हुआ है बस्तर संभाग का कांकेर जिला, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको अच्छे से आपको
डिस्क्राइब करूंगा। धन्यवाद।